नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे, और मैं हूं आशुकेश तिवारी। मेरे पीछे का पोस्टर देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करने वाला हूं। ब्रह्मास्त्र जो कि एक इंडियन सुपर हीरो फिल्म कह सकते हैं, जो कि ऐसा बताया जा रहा है, क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि ये फिल्म जो आने वाली है वो कहीं ना कहीं इंडिया में सुपर हीरो जॉनर को बदल देगी। वैसे सुपर हीरोज तो हमने बॉलीवुड में खूब बनाए लेकिन वो चल ना सके। एक क्रिश को छोड़ के हमारे पास फ्लाइंग जट आया, हमारे पास शक्तिमान था जो कि 90s के ज़माने में खूब सुपर हिट हुआ था, लेकिन अब वो भी जा चुके हैं। और अब एक और जैसे ऐसे कह सकते हैं कि एक और सुपर हीरो आने वाला है जो कि न्यू जनरेशन माइथो पे बेस्ड होगा, बेसिकली माइथोलॉजी पे बेस्ड होगा, और शिवा का कैरेक्टर होने वाला है। रणवीर कपूर खुद इस कैरेक्टर को निभाने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा जानेंगे कि इस फिल्म में क्या होने वाला है और क्या स्टोरीज हो सकती है इस फिल्म की, और कैसे ये फिल्म बॉलीवुड के एक बॉलीवुड का जो एक सुपर हीरो जॉनर है, जो कि एक साइंस फिक्शन स्टोरी बोल सकते हैं या फिर एक सुपर हीरो जॉनर बोल सकते हैं, उसे बदलने वाला है। तो इस फिल्म में जितने भी स्टार, इस फिल्म में जो कास्ट सबसे पहले जो हायर किए गए वो सबसे पूरे के पूरे स्टार कास्ट है, जैसे कि इस फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, उसके साथ साथ साउथ इंडियन सुपरस्टार नागार्जुन, मौनी रॉय, ये सभी हमें देखने को मिलेंगे। रणवीर कपूर जो है वो खुद मेन लीड कैरेक्टर में है, जो कि एक सुपर हीरो का रोल निभा रहे, एक शिवा का रोल निभा रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें मॉडर्न शिवा का रोल निभा रहे, यानी जो हमारे शिव जी हैं, जो हमारे बाबा भोलेनाथ हैं, उनका किरदार निभाएंगे ये। और इस फिल्म में ऐसा बताया जाता है कि कुछ अनोखी शक्तियां होती हैं जो कि एक बार फिर से दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करती है, और इनका जो कैरेक्टर होता है ये शिव का एक अवतार होते हैं, और ये जो शिव का अवतार होते हैं तो इन्हें पता नहीं होता है कि इनके अंदर कौन सी शक्तियां हैं या फिर शक्तियों को कैसे यूज़ करें। तो ये सभी चीज़ें सिखाते हैं अमिताभ बच्चन, यानी जो इनके गुरु होते हैं। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जो है वो इनके गुरु का किरदार निभा रहे हैं, और वो इन्हें सिखाएंगे कि कैसे इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करें या फिर कैसे आप इन सभी चीज़ों को हल कर सकते हैं, इन सभी मसलों को हल कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही स्टोरी होने वाली है। और अगर बात करें दूसरे कैरेक्टर्स की, आलिया भट्ट की या फिर नागार्जुन की, तो ये सभी लोग अभी ऐसा बताया जा रहा है कि सभी लोग पॉजिटिव किरदार में ही रहेंगे, लेकिन अभी इनका जो स्पेशल किरदार है कि ये किस कैटेगरी में बैठेंगे, लाइक ये विलन में होंगे या फिर अगेंस्ट में होंगे, इतनी जानकारी हमारे तक अभी नहीं पहुँच पाई है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है स्टोरी से रिलेटेड तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें।